हमारे संवाददाता पंकज केलकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो शिरडी में इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, कितनी बड़ी संख्या में नए साल के मौके पर लोग देख रहे हैं वहां? देखिए, यहाँ पर शिरडी में बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं साईं बाबा के दर्शन लेने, और ये कल दो दिन से ये सिलसिला शुरू है। तकरीबन 8 लाख लोग यहाँ पर आने की जो अनुमान लगाया गया है, जिन्होंने यहाँ पर दर्शन लिया है उन्हें क्या कहना है, उनकी बातें सुन लेते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर आने के? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हम हर साल आते हैं, इसलिए नए साल है इसलिए अभी आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहन और जीजा जी इधर। कितना देर इंतजार कर? बहुत देर, सुबह से खड़े हैं। कतारें लंबी है? बहुत सारा लंबी है। व्यवस्था बराबर है? बहुत बराबर है। कितनी ऊर्जा मिलती है आने से? मैं विजयवाड़ा से आता है, वो फोन भागा है ये चावड़े में, फोन सिलीफोन। ऊर्जा मिलती है यहाँ पर आशीर्वाद लेने से बाबा? बाबा आशीर्वाद अच्छा है, ये मोबाइल फोन चोरी करता है। देखिए, यहाँ पर जो है व्यवस्था के बारे में भी बात हो रही है, और जो आशीर्वाद मिलता है, नए साल की शुरुआत है, और साईं बाबा के दर्शन लेकर बड़ी संख्या में जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो साईं बाबा के दर्शन लेने यहाँ पर शिरडी में आए हुए हैं। और ये नज़ारा है, कोरोना के निर्बंध रिस्ट्रिक्शंस जो निकाले गए हैं उस वजह से यहाँ पे दर्शन लेने में आसानी हो रही है, लेकिन जो लोगों की शिकायतें भी हैं कि व्यवस्था को लेकर और भी सटीक यहाँ पर काम होना चाहिए। राजीव, पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं क्योंकि भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो अव्यवस्थाएं भी होती हैं, और उन्हीं अव्यवस्थाओं से थोड़े से परेशान भी नजर आ रहे हैं।